बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू किया था। हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे। ये देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन की कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और एक डेटा की टाइप्स क्या क्या होती हैं और डेटा को किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों आइए अपने चैप्टर का, अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों पिछले चैप्टर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में हमने तमाम टॉपिक्स नेटवर्किंग से रिलेटेड ही पढ़े थे और हमने उस चैप्टर में ये भी देखा था कि नेटवर्क्स बनाए कैसे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, नेटवर्क क्या था। दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के अमल को नेटवर्क कहा जाता है। और सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा इंटरनेट है, इसमें तमाम कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब आपने कंप्यूटर्स को तो आपस में जोड़ दिया, लेकिन ये बताएं कि आपने इनको जोड़ा क्यों, ताकि ये आपस में इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को भेज सके, डाटा शेयर कर सके। और अगर ये आपस में डाटा को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नेटवर्क को बनाने का कोई फायदा ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स नेटवर्क्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एक नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स आपस में डाटा को एक्सचेंज कर सके। और दरअसल डाटा को आपस में एक्सचेंज करने के अमल को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आइए आपकी बुक्स के मुताबिक डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस via some form of transmission medium such as wire or cable. So dear friends, data communication kya hai? Is the exchange of data. Data ka tabadla karna kiske darmiyan? Kisi bhi do devices ke darmiyan. Wo do devices mobile phones ho sakti hain, computers ho sakte hain, koi network device ho sakti hai. Aur ye data ka tabadla do devices ke darmiyan hoga kisi transmission medium ke through, जो कि वायर या फिर केबल हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स आसान अल्फाज में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अमल को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये नेटवर्क बनाकर डाटा कम्युनिकेट करवाने का फायदा क्या हुआ, इसने हमारे बिजनेसेस और जिंदगी गुजारने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इस तरह कंप्यूटर की इजाद के बाद हमारे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, साइंस, एजुकेशन की फील्ड में पला का इंतखाब आया। ऐसे ही इनकलाब नेटवर्किंग और डाटा कम्युनिकेशन ने भी हमारी जिंदगियों में बरपा की। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेसेस को देखें तो पहले तो अलग अलग कंट्रीज में मौजूद कंपनीज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कई कई मीलों का फासला तय करना पड़ता था, यानी हवाई जहाज के जरिए एक दूसरे के पास आना पड़ता था। और अब इस डाटा कम्युनिकेशन के जरिए सेकेंड्स में बड़े बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं। पहले बाहर की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए हमें खुद बाहर मुल्क जाकर टेस्ट देने होते थे और अगर पास ना हुए तो पैसे और वक्त का जिया। लेकिन अब डेटा कम्युनिकेशन की बदौलत घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं, दाखिले ले सकते हैं। और इसी तरह साइंस और हेल्थ के शोबे में भी जहाँ किसी नई बीमारी या फिर कोई नया फॉर्मूला इजाद होता है, डेटा कम्युनिकेशन की बदौलत पूरी दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, ताकि तमाम दुनिया के लोग उससे फायदा हासिल कर सके। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड ऑनलाइन भी इसी डाटा कम्युनिकेशन की बदौलत पॉसिबल हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स ये डाटा कम्युनिकेशन 5 बुनियादी कंपोनेंट्स के जरिए की जाती है, यानी 5 चीजें मिलकर डाटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं। और अगर इनमें से एक भी ना हो तो डाटा कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों सबसे पहला कंपोनेंट है सेंडर। सेंडर एक ऐसा कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन हो सकता है जो कि डाटा को सेंड कर रहा होता है, भेज रहा होता है नेटवर्क में मौजूद दूसरे कंप्यूटर्स के बाद अगला कंपोनेंट है रिसीवर। रिसीवर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सेंडर से आने वाले डेटा को रिसीव करता है, लेता है। ये भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, वर्क स्टेशन वगैरह हो सकता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट है मैसेज।
डेटा कम्युनिकेशन में जो पहला वर्ड है वो है डेटा, और उस डेटा को डेटा कम्युनिकेशन की फील्ड में कहा जाता है मैसेज, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेट की जा सके, दो लोगों के दरमियान एक्सचेंज की जा सके। के बाद अगला कंपोनेंट है कम्युनिकेशन चैनल। दोस्तों ये जरिया होता है डेटा को सेंडर और रिसीवर के दरमियान भेजने का, शॉर्ट ये रास्ता फराहम करता है ताकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ये वाइड भी हो सकता है, यानी तारों के जरिए भी आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और वायरलेस यानी वेव्स के जरिए भी डेटा ट्रैवल कर सकता है। के बाद अगला और आखिरी कंपोनेंट है इनकोडिंग और डिकोडिंग। आम जुबान में इसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को ऐसी फॉर्म में तब्दील करता है ताकि वो उस कम्युनिकेशन चैनल से गुजर सके, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इनकोडिंग, जो कि इनकोडर का एक हार्डवेयर होता है वो करता है, और डिकोडर दोबारा उस इनकोडेड डेटा को ऐसी फॉर्म में तब्दील करता है जो कि उसकी पहली फॉर्म थी, यानी डिजिटल फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप उर्दू स्पीकिंग हैं लेकिन आपका फ्रेंड जर्मन, तो अगर आपको उसको अपनी बात समझाना चाहते हैं तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो आपकी उर्दू लैंग्वेज को उस जर्मन लैंग्वेज में तब्दील कर सके। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके उस जर्मन दोस्त को आपको अपनी बात समझानी है तो उस जर्मन लैंग्वेज को दोबारा से उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी ऐसे ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करेगा, और वो ट्रांसलेटर कहलाएगा डिकोडर। तो दोस्तों इन तमाम एलिमेंट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजा जाता है। दोस्तों हम इतनी देर से डेटा डेटा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन आप लोगों के जहनों में भी आएगा कि ये डेटा क्या है। दोस्तों वैसे तो इस डेटा को मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में समझाया था, लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैप्टर 1 के लेक्चर्स नहीं सुने उनके लिए थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि डेटा क्या है। द वर्ड डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन व्हाटएवर फॉर्म इज एग्रीड बाय द पार्टीज इज एग्रीड बाय द टू डिवाइसेस। तो दोस्तों डेटा क्या है? ये इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, जो कि दो पार्टीज दो डिवाइसेस के दरमियान सेंड और रिसीव होती है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शक्ल में। तो डियर फ्रेंड्स डेटा की 5 फॉर्म्स हो सकती हैं, 5 शक्ल हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली फॉर्म है टेक्स्ट। टेक्स्ट मींस कोई भी अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस या फिर पैराग्राफ, और इस तरह के डेटा को जो कि अल्फाज पर मुश्तमिल होता है टेक्स्चुअल डेटा कहा जाता है। की दूसरी फॉर्म है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि नंबर्स यानी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स तक होता है। डेसिमल या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी इसी न्यूमेरिक डेटा के अंदर शामिल होते हैं। के बाद अगली किस्म है इमेज। दोस्तों ऐसा डेटा जो कि चार्ट्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स और तस्वीरों पर मबनी हो, ऐसे तमाम डेटा को इमेजेस कहा जाता है। ये डेटा का बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है क्योंकि इसमें बहुत से कलर्स को बिट्स में तब्दील किया जाता है, और ऐसे डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करना फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी एक डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। इसके बाद इसकी अगली किस्म है, यानी हमारे डेटा की अगली किस्म है ऑडियो। आवाज पर मबनी डेटा को ऑडियो डेटा कहा जाता है, और आवाज पर मबनी तमाम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव्स के जरिए भेजा जाता है। के बाद डेटा की आखिरी किस्म है वीडियोस। वीडियोस को कंटीन्यूअस एंटिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें हरकत कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, जैसे कि मूवी क्लिप्स, फिल्म्स या फिर लाइव कॉन्फ्रेंसेस और वीडियो कॉल्स, जो कि आजकल तकरीबन हर इंसान के सामने हैं। तो दोस्तों ऐसे डेटा को वीडियो डेटा कहा जाता है। ये वो तमाम डेटा की टाइप्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है मैसेजेस के जरिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये तमाम डेटा, फॉर एग्जांपल अगर टेक्सचुअल और न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो वो नंबर्स और अल्फाबेट्स की शक्ल में होगा, और अगर इसी तरीके से इमेज और ऑडियो डेटा में तस्वीरें और आवाजें होंगी
और वीडियोस में तस्वीरें और आवाजें एक साथ मौजूद होंगी, तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजें? क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो इनमें से किसी भी डेटा को नहीं समझता। कि दोस्तों, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी की दो स्टेट्स होती हैं, ऑन या फिर ऑफ। तो कंप्यूटर की जबान में ऑन मीन्स होता है 1 और ऑफ मीन्स 0। और इसीलिए कंप्यूटर में जितना भी डेटा होगा, जितनी भी वर्किंग हो रही होगी, वो इन 1 और 0 के कॉम्बिनेशन पर ही हो रही होगी। यानी हमारा कंप्यूटर टेक्चुअल ऑडियो वीडियो किसी डेटा को नहीं समझता, बल्कि सिर्फ 1 और 0 को समझता है। और ये 1 और 0 क्योंकि दो डिजिट्स हैं और दो मीन्स होता है बाय, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। यानी जितना डेटा कंप्यूटर में मौजूद होगा, सब बाइनरी डिजिट्स यानी 1 और 0 पर मुश्तमिल होगा। तो दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम आया, एक मसला दरपेश हुआ, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 1 और 0 और हमारे पास जितना भी डेटा है वो है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो वगैरह। और इन तमाम डेटा को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में डाले बगैर हम डेटा को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। इसीलिए जरूरत पड़ी ऐसे रूल्स की, ऐसी टेक्निक्स की, जिसके जरिए इन तमाम डेटा को तब्दील किया जा सके कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में। और इस तरह डेटा को तब्दील करने के अमल को कहा गया इनकोडिंग ऑफ डेटा। और वो तमाम टेक्निक्स जो कि डेटा को इनकोड करने के लिए यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बनाई गई, उन्हें कहा गया इनकोडिंग स्कीम्स। दोस्तों, इन इनकोडिंग स्कीम्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इन तमाम ऑडियोज, वीडियोज, टेक्सचुअल डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में तब्दील किया जाता है।